चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके हैं कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कल की क्या पोजीशंस आपकी होनी चाहिए, बजट में क्या पोजीशंस आपको रखनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां देखेंगे दोस्तों, और अपने चार्ट की एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही साथ इसके सभी पैरामीटर्स को जाँच कर हम देखेंगे कि आगे के शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म के टारगेट्स इसके क्या हो सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है दोस्तों, कहाँ ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। हम इस वीडियो में इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिटर्न प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। आपके सामने रिटर्न का एनालिसिस मैंने लगा दिया है वनडे के पैरामीटर्स पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 1.78% की गिरावट दिखाई है, जबकि सेंसेक्स ने 1.26% की गिरावट दिखाई है। वन वीक में अगर बात करें 10% रिलायंस इंडस्ट्री टूट गया है, जबकि सेंसेक्स 5% टूटा है। दोस्तों, एक मंथ की बात करें दोस्तों, 7% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि रिलायंस सेंसेक्स में 2.79% की गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों, तीन मंथ के टाइम फ्रेम में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अनदर 9% की गिरावट के साथ काम कर रहा है दोस्तों, जबकि सेंसेक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों तो 16.44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें 6 मंथ्स की दोस्तों, तो 12% की नेगेटिव रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिखाई है, जबकि हम सेंसेक्स की बात करें दोस्तों तो 21% की नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें दोस्तों तो 3% की गिरावट इस सेंसेक्स में है दोस्तों, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों तो 7% की गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर 2 साल का पैरामीटर देखें दोस्तों तो 52% की तेज़ी है रिलायंस इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, मतलब शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म दोस्तों न्यूट्रल बना हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म न्यूट्रल से नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों, जबकि हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की अगर हम बात देख रहे हैं दोस्तों तो 2 साल के पैरामीटर्स पर सेंसेक्स से अव्वल दर्जे का रिटर्न है दोस्तों, 30% की सेंसेक्स में जंप देखी जा रही है, जबकि रिटर्न की बात करें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो 52% की रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दी है। साथ ही साथ अगर हम 3 साल का पैरामीटर देखें तो 91% की इंक्रीजमेंट देखी जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, वहीं सेंसेक्स में सिर्फ 27% की इंक्रीजमेंट देखी जा रही है। दोस्तों, 5 साल की बात करें 256% का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सिर्फ 86.11% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। दोस्तों, 10 साल के पैरामीटर्स की बात करें 300% से अधिक रिटर्न दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जबकि सेंसेक्स ने सिर्फ 150% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों रिटर्न प्रोफाइल स्टॉक वर्सेज सेंसेक्स का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिटर्न हमने देख लिया। चलिए दोस्तों, अब हम सीधे कारोबार पर चलते हैं और चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो दोस्तों, अब आपके सामने है फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट की एनालिसिस हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हो दिसंबर 2020 की तुलना हम कर रहे हैं सितंबर 2020 से। दोस्तों, नेट सेल्स का आंकड़ा 1,17,860 का रहा है दोस्तों, जबकि अगर हम सितंबर क्वार्टर में देखें 1,11,236 का आंकड़ा यह सितंबर क्वार्टर में आया था दोस्तों। 5.95% की चेंजेस देखने को मिली थी। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 13,101 का था दोस्तों, जबकि 9,567 करोड़ का यह नेट प्रॉफिट आया था दोस्तों सितंबर 2020 में। अगर हम प्रतिशत में इसकी इंक्रीजमेंट नेट प्रॉफिट में देखें दोस्तों तो 36.94% की इंक्रीजमेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे की पैरामीटर्स चेक करते हैं। जी दोस्तों, आगे की हम बात करें दोस्तों तो आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट हमने पेश किया है, जो कि Q3 2020 है दोस्तों, और साथ ही साथ Q3 2019 है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आंकड़े की तो नेट सेल्स का आंकड़ा 1,17,860 करोड़ का नेट सेल्स का आंकड़ा है दोस्तों। अगर बात करें दिसंबर 2019 में तो 1,53,302 करोड़ का आंकड़ा। अगर चेंजेस की बात करें 23% जंप देखने को दिखाई मिली है दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की मैं आंकड़ा जरूर देखने को कहता हूँ आपको दोस्तों, 13,101 करोड़ का नेट प्रॉफिट का आंकड़ा रहा है, जबकि 11,640 करोड़ का
आंकड़ा दिसंबर 2019 में रहा। अगर जम की बात करें 12.55% की चेंज क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई दे रही है दोस्तों। ये था क्वार्टर थ्री का 2020 का आंकड़ा, सेम क्वार्टर क्वार्टर थ्री 2019 से। चलिए दोस्तों हम अब एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने अब एनुअल रिपोर्ट है। मार्च 2020 की तुलना कर रहे हैं दोस्तों, मार्च 2019 से अगर नेट सेल्स का आंकड़ा देखें 5,97,537 करोड़ का आंकड़ा रहा है, जबकि हम मार्च 2019 की बात करें 5,69,2,09 करोड़ का आंकड़ा है दोस्तों। चेंजेस की बात करें तो 4.98% की चेंजेस दिखाई दे रही है दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 39,354 करोड़ का यह मार्च 2020 में आंकड़ा रहा है दोस्तों, जबकि मार्च 2019 में हम देखें दोस्तों तो 39,588 करोड़ का यह आंकड़ा रहा है दोस्तों। अगर हम चेंजेस की बात करें दोस्तों तो कोई चेंज नहीं, लगभग न्यूट्रल चेंज है दोस्तों। 0.59% की गिरावट देखी जा रही है दोस्तों, जो एक अच्छी खबर नहीं है। मतलब एनुअल रिपोर्ट इनका अच्छा नहीं है दोस्तों, इसीलिए शायद स्टॉक प्राइस में वीकनेस दिखाई दे रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अब प्रीवियस कारोबार को चेक कर लेते हैं। दोस्तों कारोबार चेक करने से पहले हम एक डील की खबर को चेक कर लेते हैं, जहां फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस तथा अमेजन की डील फंसी हुई थी दोस्तों, जिसमें फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात कही है दोस्तों कि अगर 24,000 करोड़ की यह डील रुक जाती है तो निश्चित रूप से वह गिर जाएगी। इनके वकील ने क्या कहा है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ग्रुप के वकील निश्चित रूप से खमाटा जी ने जो बात कही है कि अगर लेन देन नहीं हुआ तो मैं ध्वस्त हो जाऊँगा दोस्तों, ऐसा इन्होंने कहा है। अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों हरीश सालवे जो इनके मुख्य वकील हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कंपनी और नौकरियों को बचाना होगा दोस्तों। फ्यूचर रिटेल की तरफ से ये कहा गया है, साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने उसमें ऐड किया है दोस्तों कि मैं सभी नौकरियों और व्यवसायों को रखूँगा, यदि लेन देन रद्द हो जाता है तो सिर्फ दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए क्यों, क्योंकि अमेजन मोटा पैसा कमाना चाहती है दोस्तों, ऐसा तर्क आया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का दोस्तों। इसकी सुनवाई सोमवार को तय है, देखते हैं अगली सुनवाई में क्या फैसला निकल के आता है। चलिए दोस्तों प्रीवियस कारोबार में हम चेक कर लेते हैं, प्रीवियस कारोबार को चेक कर। तो दोस्तों अब हम कारोबार की बात करते हैं। आपके सामने एनएससी की साइड से मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लगाया, जहां 1844 की क्लोजिंग आप देख रहे हो, जिसमें 1.68% की गिरावट देखी जा रही है दोस्तों। अगर हम प्रीवियस क्लोज की बात करें 1876 पर यह प्रीवियस क्लोज रहा था, ओपन 1894 पर हुआ दोस्तों, जबकि हाई 1913 रुपये का लगाया दोस्तों। लो की बात करें, लो निश्चित रूप से क्लोजिंग प्राइस के करीब में है दोस्तों, निश्चित रूप से 1830 रुपये का है। यह क्लोजिंग हुआ है 1844 रुपये, जो एक अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है दोस्तों। अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की, अगर हम आंकड़ा लगाते हैं दोस्तों तो आपके सामने वह आंकड़ा मैं प्रस्तुत करता हूं। जी हां दोस्तों, आपके सामने वो आंकड़ा है जिसमें आप देख सकते हो 2 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई है दोस्तों, 91 लाख शेयर्स निश्चित रूप से डिलीवरी में उठाए गए हैं दोस्तों, जो एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी मानी जानी चाहिए दोस्तों। बड़े लोगों ने निश्चित रूप से निवेश किया दोस्तों, 45.14% का हाइएस्ट डिलीवरी परसेंटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में देखने को मिल रहा है दोस्तों पिछले कारोबार में। चलिए दोस्तों अब हम चार्ट के पैरामीटर्स को चेक करेंगे। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चाल और चेक करेंगे कल के कारोबार में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के कारोबार में क्या हो सकता है, और अगर आपने पोजीशंस बना रखी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म तब आपको किस किस लेवल्स पे एवरेज करनी चाहिए, किस किस लेवल्स पर बाइंग कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों हम एक एक करके बात करेंगे। अगर हम कल की बात करें दोस्तों 1841 की क्लोजिंग है, जैसा कि आप देख रहे हो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है दोस्तों। अगर मैं वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी इस बिकवाली को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, MACDA भी काफ़ी इस बिकवाली को सपोर्ट कर रहा है, RSI भी नेगेटिव बना हुआ दोस्तों। तो अगर मैं चार्ट की बात करूँ, चार्ट के हिसाब से निश्चित रूप से वीक है, निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्री वीक है दोस्तों। अगर बजट बहुत अच्छा आता है दोस्तों, अगर मार्केट रैली दिखाता है तो निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 1900 से 1920 तक के लेवल तक जा सकता है दोस्तों। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये अपसाइड में इतने तक जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस आपको कल के ट्रेड के लिए रखना चाहिए दोस्तों, 1790 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए दोस्तों, 1790 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
और टारगेट में आपको 1900 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, अगर जैसा बजट की सिनेरियो रहती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें वन वीक के चार्ट में, अगर हम एक बार चेक कर लेते दोस्तों तो आपको एग्जैक्ट फिगर देखने को मिल जाएगा शार्ट टर्म टू मीडियम टर्म। अगर आपने शार्ट टर्म पोजिशंस बना रखी है तो मैंने एक लेवल्स ऑलरेडी बता रखी है दोस्तों, यह 1750 से 1800 तक के लेवल्स को निश्चित रूप से सपोर्ट कर लेगा दोस्तों। यहाँ पर इस स्टॉक को ज़रूर सपोर्ट लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन की वीकनेस तो दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से अभी भी इसमें अपसाइड की गुंजाइश बनी हुई है दोस्तों। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपने शार्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए रखा है तो आपको इस पैरामीटर्स पर 1750 से 1800 तक के लेवल्स तक आपको निश्चित रूप से और ऐड कर लेना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अगर हम अपसाइड की बात करें दोस्तों तो अपसाइड में आपको 2000 से 2100 तक के लेवल शार्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म में दोस्तों हमारा टारगेट इंटैक्ट है दोस्तों, 2400 रुपये का निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर हम वन वीक के वॉल्यूम्स की बात करें दोस्तों तो कोई खास वॉल्यूम इफेक्ट नहीं दिखाई देता है दोस्तों, MACD भी न्यूट्रल दिखाई देता है दोस्तों, RSI भी न्यूट्रल ही दिखाई देता है दोस्तों। तो अभी के चार्ट पर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में नेगेटिव फॉर्मेशंस बना। तो दोस्तों ये था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में चार्ट पर अपडेट। अगर आपकी पोजीशंस है तो आप इस अनुसार, हमारे बताने के अनुसार आप अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं। वैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।